सब्सक्राइब करें टेक्निकल सुमो पांडे चैनल को और प्रेस करें इस बेल आइकन को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले। हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा आधार डेटा लीक हो गया है, हमारा आधार डेटा जो है वो चोरी हो रहा है। तो इसी को देखते हुए सरकार ने एक अहम फैसला लिया है कि हम अपने आधार को, आधार डेटा जो हमारा है उसे हम सेफ रखें। तो उसी को सेफ रखने के लिए सरकार ने एक वर्चुअल आईडी क्रिएट की है, आपको क्रिएट करनी पड़ेगी। तो दोस्तों, मैं इसी के बारे में आज बात करने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम पांडे और आप देख रहे हैं टेक्निकल शुभम पांडे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोगों को कुछ दिनों से न्यूज़ मिल रही होगी कि हमारा आधार डेटा चोरी हो गया है, 500 रुपये में हमारा आधार डेटा चोरी हो गया दोस्तों। तो इसी को देखते हुए सरकार ने एक बहुत ही अच्छा फैसला लिया है, जो कि आगे हम देखते हैं कि आगे काम करता है या नहीं दोस्तों, कि आपको एक वर्चुअल आईडी एक क्रिएट करनी पड़ेगी दोस्तों। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आधार की सुरक्षा को लेकर जागी सरकार, अब 16 अंकों वाली वर्चुअल आईडी से होगा वेरिफिकेशन। तो दोस्तों, यहाँ पर आप एक अपनी वर्चुअल आईडी क्रिएट करेंगे और जो 12 अंक का है इसे आप प्राइवेट रखेंगे। और ये हर जगह पहले, जैसे कि आप KYC करवाते थे तो उसमें आपका आधार नंबर पड़ता था, और आधार नंबर डालने के बाद आपकी पूरी भी डिटेल आ जाती थी जहाँ जहाँ आपका आधार लिंक था। तो दोस्तों, अब नहीं होगा, अब होगा सिर्फ आपको वर्चुअल आईडी ही डालनी पड़ेगी। और वर्चुअल आईडी सिर्फ आप UIDAI.com पर जाकर, जो इसकी वेबसाइट है वहाँ पर आप जाकर इसे बना सकते हैं, वो भी 1 जून तक दोस्तों। ये 1 जून से मतलब स्टार्ट होगा। तो जैसे स्टार्ट होगा मैं आपको बता दूंगा कि कैसे वर्चुअल आईडी क्रिएट करनी पड़ेगी दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो भी यहाँ पर न्यूज़ आ रही हैं वो मैंने आपको बता दी हैं कि कैसे वर्चुअल आईडी क्रिएट करनी है। पहले क्या होता था कि आप गए और आपका जो भी डिटेल था, मतलब KYC करवाते हैं तो आपका जो भी डिटेल है वो उसे पता चल जाता था। लेकिन अब क्या होगा कि आपको सिर्फ जो 16 अंकों की वर्चुअल आईडी होगी दोस्तों, वहीं सिर्फ आपको बतानी है। कहीं भी जाएँ तो आपको सिर्फ वर्चुअल आईडी अपनी बतानी है। तो उसमें वर्चुअल आईडी में क्या होगा दोस्तों कि आपका नाम, पता, फ़ोटो, सिर्फ इतना ही आप उसमें दिखाई देगा। और कुछ भी जहां पर आकर आपका आधार लिंक है तो वो कोई भी डिटेल आपको नहीं दिखाई देगी दोस्तों। यहां पर आप देख सकते हैं हर चीज़ जो भी है वो आप पढ़ सकते हैं यहां पर। तो इससे क्या होगा कि दोस्तों हमारा जो आधार है वो सेफ हो जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छी न्यूज़ है और हम देखते हैं आगे कितना काम करती है और इससे हमारा डेटा सेफ़ रहेगा या फिर नहीं। तो अगर आपको जैसा भी लगे आप हमें कमेंट करके बताएं कि इससे वर्चुअल आईडी बनाने से हमारा डेटा सेफ़ रहेगा या फिर नहीं। जो भी हो आपके सुझाव वो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। और हाँ दोस्तों, ये जानकारी अपने आप फ्रेंड को भी, फ्रेंड हैं या फिर आप अपनी फैमिली में, इसे शेयर कर सकते हैं। और शेयर करके ज़रूर उनको ये बताएं कि हाँ, हमारा आधार डेटा अब सेफ़ होगा आगे जाकर, क्योंकि हम जब वर्चुअल आईडी अपनी क्रिएट कर लेंगे और वर्चुअल जो आईडी है हमारी वो सिर्फ वही क्रिएट करेगा जिसका आधार है, सिर्फ उसी को पता हो कि बाकी तीसरे इंसान को नहीं पता चलेगी। तो ये बहुत ही अच्छी जानकारी थी, मैंने आपको बता दी। और आपने अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन ऑन कर लें, क्योंकि जो भी मैं अगर आप के वीडियो डालता हूँ इससे रिलेटेड तो आपको नोटिफिकेशन उसकी मिल जाएगी। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ दोस्तों। अगर आपने हमारा वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, आप वहाँ से इसे देख सकते हैं कि घर बैठे अपने ही मोबाइल से किसी भी सिम को आधार से लिंक करने का नया तरीका दोस्तों, ये आप देख सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।